हाय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जन, एनडी हॉस्पिटल, हिसार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जो कि हर प्रेग्नेंट पेशेंट मेरी ओपीडी में आके अक्सर मुझसे पूछता है। जी हाँ, काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं, मैम क्या हम प्रेगनेंसी में घूमने जा सकते हैं, क्या हम प्रेगनेंसी में ट्रैवल कर सकते हैं, क्या हम प्रेगनेंसी में ट्रेन से जा सकते हैं, क्या हम फ्लाइट से जा सकते हैं, और कौन से मंथ में हमें ट्रैवल करना सेफ़ रहेगा। यही सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। अंत तक बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुरू के 3 महीने की। जो शुरू के 3 महीने होते हैं वो थोड़े से क्रिटिकल टाइम होता है। उस वक्त प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो रही होती है, तो इस वक्त अगर कोई भी आप एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें चांस होते हैं कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए अधिकतर जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप ट्रैवल करो शुरू के 3 महीने में, अदरवाइज़ आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो गया है जिसमें बच्चे की धड़कन ठीक आ रही है, कोई अंदर क्लॉट नहीं है और कोई अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो आप अपने जो भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, यानी कि 4 घंटे से कम का सफ़र है, वो आप कर सकते हैं। बेस्ट होता है इस तरह की रोड जर्नी करना जहाँ रोड्स बहुत अच्छी हों, जर्की रोड ना हो। खुद की कार से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो सेफ़ होता है। ट्रेन की जर्नी को भी सेफ़ मानते हैं क्योंकि ट्रेन की जर्नी में जर्क्स नहीं होते, लेकिन रेलवे स्टेशन पे कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो उससे आपको बचना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है बहुत भीड़ भाड़ में धक्का लग के कई बार हमारे गिरने के चांसेस होते हैं। फ़्लाइट ट्रेवल्स होती हैं, वो भी काफ़ी सेफ़ मानी जाती हैं पूरी प्रेगनेंसी में, तो फ़्लाइट ट्रेवल आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा भारी वजन ना उठाएं, जैसे स्टेशन पे और एयरपोर्ट्स पे कई बार आप अपने सूटकेसेस उठा रहे हैं, वो सारा आप ना करें। सेकेंड होता है कि आपको कई बार होता है कि हमें घूमने जाना है, गर्मियों की छुट्टी में हमें घूमने जाना है, तो आप घूमने जाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है, जब आप कहीं घूमने जा रहे हो, सपोज़ हिल स्टेशन पे जा रहे हो या फिर आप किसी ओशन साइड पे जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचर एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। आप सिंपल इन्वायरमेंट का इंजॉय करिए, अपना स्टे इंजॉय करिए, लोकेशन इंजॉय करिए, लेकिन जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गई, पैराग्लाइडिंग हो गई, किसी भी तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ में, रोप क्लाइंबिंग हो गई, जिप लाइनिंग हो गई, इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ आप ना करें। तो इस तरह का ट्रैवल आप कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्रैवल की बिल्कुल भी सलाह नहीं दी जाती, वो पेशेंट्स होते हैं जिनके पहले बहुत सारे अबॉर्शंस हैं, मुश्किल से कंसीव हुआ है, काफ़ी सारा ट्रीटमेंट लिया, इंजेक्शंस लिए हैं, उसके बाद आपने कंसीव किया है, पहले आपकी प्रीटर्म डिलीवरीज़ की हिस्ट्री है, नेक्स्ट आपके जो ब्लीडिंग चल रही है प्रेगनेंसी में, या आपके अंदर अल्ट्रासाउंड में ब्लड क्लॉट है, तो इस तरह के पेशेंट्स को ट्रैवल के लिए मना किया जाता है। जो IVF पेशेंट्स, प्रेगनेंसीज होती हैं, IVF के बाद कंसीव हुए, उनको भी ट्रैवल के लिए शुरू के 3 महीने में मना किया जाता है। फिर शुरू के 3 महीने के बाद बारी आती है 4th, 5th, और 6th महीने की। जो बीच के हमारे ये 3 महीने होते हैं, ये कंपेरेटिवली सेफ होते हैं क्योंकि प्लेसेंटा पूरी तरह बन गया होता है यूट्रस से, उसका अटैचमेंट ठीक होता है। अब थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा भी एक्सर्शन लेंगे तो उसमें आपके अबॉर्शन के चांसेस इतने नहीं होते, तो इस टाइम इवन अगर आपकी कंसीव मुश्किल से हुआ है, आप शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे वही 4 घंटे से कम का अगर ट्रैवल है आपके घर के पास, आपको किसी काम से जाना है, किसी के फंक्शन अटेंड करना है, कोई इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई एग्ज़ाम के लिए जाना है, जो ज़रूरी काम वाले ट्रैवल हैं वो आप कर सकते हैं। और जो प्रेगनेंसीज बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसीज हैं, कोई हाई रिस्क नहीं है, वो अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, घूमने का भी ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन वही है कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ ना करें, बहुत भारी वजन ना उठाएं अपनी जर्नी में, और अपना कूल और इंजॉय करिए एक्टिव ट्रैवल में। उसमें कोई भी एक्सर्शनल आप ना रखें, अपना प्रोग्राम इस तरह से रखें कि वो थोड़ा सा रिलैक्स रहे। अब लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, जैसे कि 7th, 8th, 9th, लास्ट के जो महीने होते हैं उनमें हम आपको थोड़ा मना करते हैं ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि जो लास्ट के मंथ होते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सर्शन लेंगे तो डिलीवरी के पेन हो सकते हैं। और कई बार हम लोग इस तरह से ट्रैवल प्लान करते हैं कि वो ट्रैवल जो डेस्टिनेशंस होती हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, लेकिन वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती,
तो अगर आपको डिलीवरी जैसा कुछ पेन आया तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए लास्ट के जो आपके 3 महीने, स्पेशली लास्ट के 2 महीने, 8वां और जो 9वां महीना होता है, उसमें आपको ट्रैवल के लिए मना किया जाता है। लेकिन अगर किसी को आपको जैसे शॉर्ट ट्रैवल करना है, अपना फैमिली फंक्शन करना है, वही अपने कोई ज़रूरी काम करने हैं, कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, शॉपिंग है, मैरिज है क्लोज फैमिली में, तो आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसी जगह आप जा सकते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स की सुविधा अच्छी है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको इमीडिएट अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने की चांसेस पूरे पूरे हैं, तो इस तरह आप ट्रैवल कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई। फिर भी आपको लगे आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैंने और भी कई प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय तक पहुँचते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।